परमेश्वर को जानने की श्रृंखला में आठवीं पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का विषय है विवाह जो प्रभु ने स्थापित की, और अध्ययन के लिए बाइबल पढ़न उत्पत्ति की किताब दूसरे अध्याय के 18, 21 और 22 वचनों से लिया गया है, जो कहता है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। सबसे पहले हम देखते हैं कि सृष्टि के छठवें दिनों में 6 बार सब कुछ बनाने के बाद प्रभु ने कहा, यह अच्छा है। लेकिन यहां 18वें वचन में देखते हैं, यहोवा परमेश्वर ने अचानक से कहा, यह अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा, मनुष्य का अकेले रहना अच्छा नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे परमेश्वर खुद संगति के परमेश्वर हैं। वे जानते थे कि हर मनुष्य कमजोर है और उसे एक सहायक, एक साथी की जरूरत है। इसीलिए प्रभु ने विवाह या शादी को स्थापित किया। जब तक आपके और मेरे पास ब्रह्मचर्य का वरदान नहीं है, कभी भी अपने जीवन को अकेले जीने के बारे में कभी ना सोचें, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। एक चीज जो मैंने सीखी और मैं चाहती हूं कि हर कोई यह जाने, वो यह है कि हम में से हर किसी को एक सहायक बनना चाहिए, अपने साथी के लिए उचित और उनके खामियों को दूर या मिटाने वाला होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हम एक दूसरे के गुणों को पहचान कर उन्हें प्रोत्साहन देते हुए एक दूसरे के गुणों को बढ़ाते रहना चाहिए। आज मसीह के देह के सभी विवाहित जोड़ों के लिए सवाल यह है कि क्या हम सभी एक सहायक के रूप में व्यवहार करते हैं? क्या हम अपने साथी या सखी के लिए उचित हैं? और क्या हम आपस में एक दूसरे के गुणों को बढ़ा रहे हैं? ये सवाल हमने एक दूसरे से पूछना है। आपकी शादीशुदा जिंदगी के शुरुआत में जहां आपके पति पत्नी थे, अगर आज भी वे वही स्तर पर पाए जाते हैं और अगर आध्यात्मिक रूप से नहीं बढ़ पा रहे हो और स्थिर न हो और परमेश्वर के करीब नहीं आ पा रहे हो और प्रभु की सेवकाएं में शामिल न होकर उसमें भागीदारी न लेकर अगर वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हो और अगर हम उन्हें इन विषयों में प्रोत्साहित न कर रहे हो, तो हम अपने साथी या सखी की मदद बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। यदि अगर आपके और आपके साथी के जीवन में कोई आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ है और यदि प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिख रहा है, तो एक सवाल है जो हमें अपने आप से पूछना है कि क्या प्रभु यीशु वास्तव में आपके शादी में मौजूद हैं? दूसरी बात, हम सीखते हैं कि आदम के लिए एक ऐसा साथी चुना गया था जो उचित था और उससे मेल खाता था और जो प्रभु के समानता में था, जैसे कि उत्पत्ति 2:20 में लिखा गया है जो हम पढ़ रहे हैं।
अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। उसी तरह मसीह यीशु अपनी दुल्हन की खोज में है, जो कि कलीसिया है, जो हर तरह से यीशु की तरह होना चाहिए, पवित्रता को दर्शाते हुए। मैं प्रार्थना करती हूँ और आशा करती हूँ कि प्रभु के दूसरे आगमन में हम सब दुल्हन के स्तर या औदे में पाए जाएं, यीशु मसीह के नाम से। अंत में फिर एक बार हम देखते हैं कि आदम को गहरी नींद में डाला जाता है और उसकी पसली से हवा को बनाया जाता है। उसी समान नए नियम में यीशु की मृत्यु होती है और वे क्रूस पर आराम के अवस्था में पाए जाते हैं, और फिर एक सैनिक ने यीशु की पसली में भाला मारा और उस दिन यीशु की दुल्हन यानी हम यानी कलीसिया का उत्पन्न हुआ। क्या आप उसकी दुल्हन बनने के लिए तैयार हो रही हैं? क्या उनके दूसरे आगमन के लिए आपकी तैयारी चल रही है? कलीसिया, आप तैयार रहें, अपने आप को पवित्रता से सजाएं, क्योंकि वह हमारे परमेश्वर पवित्र हैं और उसका आना निश्चित है। प्रभु आप सबको आशीष दें।